अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप एक मकालमे की मदद से उर्दू में माहौल के बारे में बात करना सीखेंगे। माहौल, मकालमा। सबसे पहले तो आप इन पांच सवालों को देखें। आप अपना इलाका साफ रखने के लिए क्या करते हैं? पिछले हफ्ते आपने क्या रिसाइकल किया था? आप कौन सी चीज़ें दोबारा इस्तेमाल किया करेंगे? कारें चलाने के क्या नुकसानात हैं? दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ने के क्या नुकसानात हैं? क्या आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? चलें ये देखें, मैंने चंद एक जवाब मिसाल के तौर पर दिए हुए हैं। नंबर एक, हम अपना कूड़ा बाहर नहीं फेंकते बल्कि रद्दी की टोकरी में डालते हैं ताकि हमारी गलियां और सड़कें साफ रहें। पिछले हफ्ते मैंने कागज़ रिसाइकल किया था। इसके अलावा हम शीशा, लोहा और कई किस्म के प्लास्टिक रिसाइकल कर सकते हैं। मैं मार्जरीन वगैरह के डब्बे और जूस की बोतलें दोबारा इस्तेमाल किया करूंगा। कारें चलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होता है। ग्लोबल वार्मिंग से कई साहिली इलाके डूब जाएंगे और कई जानवर मर जाएंगे। अब आपका काम यह है कि आप इन जवाबात की मदद से और पिछली वाली स्लाइड पे जो सवालात थे उनकी मदद से एक उर्दू का डायलॉग लिखें। अगर आपको खुद उर्दू लिखने में मुश्किल हो तो आप यही जवाबात नकल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपनी तरफ से चंद एक जुमले, चंद एक अल्फाज भी लिखें। इस तरह आप माहौल के बारे में एक मुकालमा लिख सकेंगे। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।